ये माँ बेटे रात को घर के अंदर सो रहे थे, लेकिन इनको क्या पता था कि रात उनकी आखिरी रात होगी और वे अब सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। हमीरपुर के रंगस के जंगली राजपूता गांव में उस वक्त मातम छा गया जब एक कच्चा मकान अचानक जमींदोज हो गया। आनन-फानन में आसपास के लोगों ने मलबे में दबे परिवार की जान बचाने की काफी कोशिश की। जल्द से जल्द मलबा हटाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही माँ और 9 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस हादसे से गांव के लोगों के मन में खौफ है और पूरे गांव में मातम का माहौल छाया है। मेरे को रात को 8 बजे का फ़ोन आया 11 बजे तक कि ऐसे ऐसे मकान गिरा हुआ है और मलबे में जो वो 3 बंदे फंसे हुए हैं। तो मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ पे देखा तो वरिंदर जो जिनका जो मकान गिरा है और उनकी पत्नी मीना मीना देवी और उनका एक बेटा है 9 साल का शांत। तो वरिंदर जी को तो निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों ने जो है वो आपस में मिलकर जो है वो काफ़ी सहयोग दिया और उनकी पत्नी मीना देवी और बेटा सुशांत जो कि मलबे में दबे होने के कारण उनकी जो मृत्यु हो गई थी। गदाको है बहुत। राती 11 बजे आ सुते हैं, फिर यहाँ सुते उठे पे नठे पे पता नहीं क्या होया, पे सड़क के किनारे पे गदाको होया। फिर बाद में इधर जी दौड़े तो इधर पे मकान गिरा हुआ था, बीच मास्टर जी दबोए हुए थे, उन्होंने आवाज़ मारी पे निकालो मुझे निकालो। पे फिर यहाँ ग्राम झाला पाया फोन करके, फिर सारे किट्ठे किते, फिर गांव वासी ने पे निकाले। उधर प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और आगे भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर उनको रात को शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर हमें यहाँ से मेडिकल कॉलेज से जब हमें सूचना मिली तो हमें पता चला कि उनकी यहाँ आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हमने जो अपने प्रशासनिक नायब तहसीलदार हैं, अधिकारी हैं जो फील्ड के हैं, उनको हमने इमीडिएटली कहा कि वहाँ पर जाएं। तो जो वीरेंद्र जी हैं ये कंप्यूटर के टीचर हैं ज्वाला जी में, ये वहाँ पर पढ़ाते हैं। और तो फिर प्रशासन की तरफ से हमें इमीडिएटली जो है 20,000 का हमने फौरी राहत तो उसमें दे दी थी उनको इमीडिएटली। और इसके अलावा जो हमारे रिलीफ मैनुअल में जो केस बनता है जिसमें 4-4 लाख का होता है, उसकी प्रोसेस किया जा रहा है। मैंने SDM साहब को भी डायरेक्शंस दिए हैं कि इमीडिएटली इस केस को प्रोसेस करें और जो फर्दर रिलीफ है परिवार को दें। हालांकि 20,000 की राहत कोई बड़ी राहत नहीं, लेकिन जैसे प्रशासन इस परिवार की मदद को आगे आया है, वैसे ही सरकार को भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि मौत की कोई कीमत तो नहीं होती, लेकिन शासन और प्रशासन अगर ऐसे पीड़ित परिवार को दिल से मदद करेंगे तो परिवार का भविष्य जरूर थोड़ा बेहतर हो सकता है। हमीरपुर से जसबीर कुमार, समाचार फर्स्ट।